हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से परमानेंट वैकेंसी निकल के आ रही है। ये वैकेंसी आपकी बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में आ रही है, ठीक है। कितनी क्या सीटें हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्वालिफिकेशन है, कम्प्लीट इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं, आईटी फाइटर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी जॉब अपडेट है, एडमिट कार्ड है और इससे रिलेटेड जो भी जॉब सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है। तो दो पोस्ट की वैकेंसी, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन सी, जो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है वो टेक्नीशियन सी पोस्ट में है। और यहाँ पर हम आपको बता दें, जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई वो 10th प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप। यहाँ पर आपको ये समझना होना चाहिए कि आपके पास 10th होना चाहिए प्लस आईटीआई होना चाहिए, इसके अलावा प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो वो नहीं चलेगा, आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। मतलब आपने एग्ज़ाम AITT का दिया हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, ये सारा कुछ होना चाहिए। आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होना चाहिए, या फिर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास ये तीनों चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा, अगर आपने मान लीजिए ITI नहीं किया है, तो आपने क्या किया होना चाहिए, हाई स्कूल प्लस 3 साल का अप्रेंटिसशिप करना कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 3 साल अप्रेंटिसशिप जो होता है वो ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप के बराबर होता है। चलिए किस किस स्टेट के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 6 सीटें हैं, फिटर की 11 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल की 4 हैं, मिलर की 2 हैं, इलेक्ट्रोकोप्लेटर की यहाँ पे 2 सीटें। तो इतनी सारी ट्रेडें, टोटल यहाँ पे 5 ट्रेडें हैं, तो 5 ट्रेडों की भर्ती आई हुई है। तो 5 ट्रेड जो भी जिस भी स्टूडेंट ने किया हुआ इनमें से कोई भी एक ट्रेड से, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलिए कैटेगरी वाइज अगर आप वैकेंसी देखना चाहें, तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटें देख सकते हो। जो कैटेगरी वाइज सीटें हैं वो टोटल यहाँ पे जो ट्रेड की वैकेंसी दी गई उनका यहाँ पे दिया गया है कि इतनी कैटेगरी वाइज सीटें होंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप सैलरी दे सकते हो 21,500 से यहाँ पे 82,000 तक यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। और इसके अलावा जो ग्रेड है वो यहाँ पे आपको दिखा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आपने 3 ईयर का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया है, 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया है इंजीनियरिंग फील्ड से, तो आप इस मैकेनिकल्स में टोटल 33 है, इलेक्ट्रिकल में 16 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में 17 सीटें हैं। इस प्रकार कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी आप इनकी सीटें देख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको एज दिखेगा, क्योंकि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एज कितनी मांगी गई। तो टेक्नीशियन सी जो ITI स्टूडेंट्स के लिए, वो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 28 साल है। मतलब 28 साल के अगर 28 साल तक एज यहाँ पे मांगी गई है। और यहाँ पर हम बता दें, अगर आप OBC या अदर कैटेगरी से हैं, OBC SC ST, तो यहाँ पर OBC स्टूडेंट के लिए 3 साल और SC ST की 5 साल की कैटेगरी यहाँ पर छूट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप EAT इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी से हैं, तो आप यहाँ पर जो मैक्सिमम यहाँ यहाँ पे रखी गई 28 साल रखी गई, जो इसकी काउंट की जाएगी वो यहाँ पर 1 मार्च 2022 से काउंट की जाएगी, ठीक है। 1 मार्च 2022 तक के आपकी जो एज है वो 28 साल होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 1 मार्च 2022 के पहले अगर आप 29 साल के हो गए, या ठीक है 28 से ऊपर हो गए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज जो इन्होंने छूट दिया वो, या जैसा कि अभी हमने बताया, OBC स्टूडेंट के लिए 3 साल और SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 10 साल के यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, ठीक है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप रीड कर सकते हो क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे पोस्ट मिनिमम परसेंटेज मार्क्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपीरियंस नील, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, मतलब केवल आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और ITI होना चाहिए, ठीक है, और 10th होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन मैंडेटरी, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी ITI स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है कर्नाटका
का उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये क्या इन्होंने कहा मैंडेटरी, ये मतलब जरूरी है आपका कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपका ये नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो इसकी वैलिड जो डेट होनी चाहिए वो 20 अप्रैल, मतलब कि जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होनी चाहिए वो 20 अप्रैल तक की होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद का मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट बनता है या बनवाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करिए, सिलेक्शन किस प्रोसेस किस तरह से होगा, तो आपके यहाँ पे सिलेबस में जो है 150 क्वेश्चन रखे गए हैं और यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक्निकल से आएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैथ रीजनिंग और इस चैप्टर से और जीके वगैरह से यहाँ पे आपके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो होंगे वो टेट थ्योरी से पूछे जाएंगे। आप देख सकते हो टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट विथ 100 क्वेश्चन हैविंग स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे टेट थ्योरी से, 50 क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पर जो भी है नॉन टेक्निकल जीके रीजनिंग मैथ से, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका सिलेबस। और इसके अलावा जो जो आप लोग क्वालिफाई करोगे, जो मार्क्स लाओगे, जो मिनिमम यहाँ पे परसेंटेज रखा गया कितना मिनिमम तो आपको लाना ही लाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कितनी रखी गई है, तो 250 फीस रखी गई प्लस 18% GST, मतलब 250 का 18% जितना भी आएगा वो जोड़ के यहाँ पे आपकी फ़ीस लगने वाली है। जो फीस है वो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फीस लगने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई, ठीक है। चलिए और इस वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं, सॉरी इस वेबसाइट में जाकर आपको पेमेंट करना होगा। कब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं, तो ऑनलाइन लिंक विल बी ओपन अप्लाई फॉर्म 3 PM 6 अप्रैल को ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो 6 अप्रैल से फॉर्म को, मतलब आज ही की डेट से और शाम को 3 बजे के बाद से आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए। तो नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम चैनल #1 IT फाइटर में डाल देंगे, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और भी कोई भी इससे इम्पोर्टेंट अपडेट अगर रह जाती है, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो ज़रूर इस पर वीडियो बनेगा, जो भी आपके लोग कमेंट रहेंगे उस पर वीडियो बनेगा। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि जो भी नया अपडेट आए वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और इससे रिलेटेड एग्जाम सेंटर वगैरह से रिलेटेड कोई भी होगी डाउट होगे जो भी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।